दिस इज मोय और आज का अपना टॉपिक है हेरिंग बिलुअर लिफफ्लेक्स हेरिंग बिरूल रिफ्लेक्स जो होता है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है क्या होता है जब अपन बहुत गहरी सांस लेते हैं तो अपन का जो लंग्स होते हैं वो ओवर स्ट्रेस होने लगते हैं तो उनमें कोई दिक्कत ना हो जाए इस वजह से क्या होता है हेरिंग बिरुलर रिफ्लेक्स क्या करता है उसको लिमिट कर देता है इंस्पायरेशन की जो रेंज रहती है उसको लिमिट करके और एक्सपाशन तक लाने की कोशिश करता है ठीक तो है तो अपन देखते हैं हैंरिंग बिरुलर रिफ्लेक्स इसके पहले मैंने आपको बता भी दिया था, था जो अपन के डीप रेस्पिरेटरी न्यूक्लियस होते हैं उनको स्टॉप करके जो एबनिस्टिक और न्यूमोटेसिक पड़े थे ना तो न्यूमोटेक्सिक जिस तरह से फंक्शन करता है वही उसी पर वेस्ट होता है हेरिंग बिरूल रिफ्लेक्स ठीक है इट इस प्रोटेक्टिव रिफ्लैक्स दैट रेस्ट्रिक्स इंस्पायरेशन अगर आपने न्यूमोटेक्सिक वाली जो जो रेस्पायरेसन का रेगुलेशन वाला वीडियो है ना वो ना ना देखा होना तो वो एक बार देख लेना उसके बाद आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा तो अपन देखते हैं हेरिंग बिलूअल रिफ्लैक्स इट इज प्रोटेक्टिव रिफ्लैक्स दैट रेस्ट्रिक्स इंस्पायरेशन एंड प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स टिशू तो क्या करता है इंस्पायरेसन को रोक देता है और क्या करता है ओवर स्ट्रेचिंग रोकता है किसकी लंग्स टिशू की ठीक है लिमिटेड वाय स्टलेन वाय स्टेप रिसेप्टर ऑफ पेसेस तो ये क्या करता है किस तरह से लिमिटेड होता है किस तरह से रोक सकते हैं अपन लोग तो जो अपन के इस तरह से ये मान लीजिए ये का एक लंग्स है सॉरी ये वाला अब यहां पे ये ये वाले पार्ट में क्या पाए जा सकते हैं रिसेप्टर होते हैं तो जैसे यहाँ पर ओवर, ओवर स्ट्रेचिंग होती है यहाँ कोई ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है ये इस तरह से रिसेप्टर हैं कोई किसी भी तरह से ओवर स्ट्रेचिंग होती है तो ये क्या करते हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये क्या करवाते हैं हेरिंग विलर रिफ्लेक्स करवा देते हैं ठीक है सिचुएटेड इन वॉल्स ऑफ ब्रोकियाई एंड ब्रोंकियोल्स तो ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के वॉल्स पर सिचुएटेड होते हैं और ये सेंस करते हैं कि ओवर स्ट्रेच तो नहीं हो पा रहा है डज नॉट ऑपरेट्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग तो क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पे थोड़ी ना ओवर स्ट्रेच होंगे तो ये उस टाइम पे नहीं एक्टिवेट होते हैं ऑपरेट्स ओनली वेन द टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज बियॉन्ड वन थाउजेंड एम नॉर्मल कितना होता है फाइव हंड्रेड एम होता है लेकिन ये कितना पहुंच गया वन थाउजेंड एम गया तो इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो फिर क्या हो जाता है हेरिंग वीरअल रिफ्लेक्स होता है ठीक है इंस्पायरेशन हो रहा है टाइटल वॉल्यूम कितना हो गया मोर देन थाउजेंड एम तो फिर क्या हुआ स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स और वो रिसेप्टर होंगे स्टिबुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर इन एयर प्रेस जो एयर प्रेस में रिसेप्टर थे वो स्टिबलेट हो गए इस वजह से इम्पल्स जाता है किसके थ्रू बेगल नर्व के थ्रू और फिर क्या होता है इनिवेशन ऑफ डीप रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो इंटरकोस्टल मसल थी वो ओवर स्ट्रैच हो गई है ये यहाँ पे जो अपन की मसल प्राइमरी मसल थी वो भी ओवर स्ट्रेच हो गई तो फिर वो क्या कहते हैं इम्पल्स भेजते हैं किसके लिए जो अपन के ब्रोंकाई वाले रिसेप्टर थे यहाँ पे ये ब्रोंका वाले ब्रोंकाई वाले रिसेप्टर थे यह, ये सॉरी ये वाले जो रिसेप्टर हैं ये इसको स्टिमुलेशन देते हैं कि इसको इनिविशन कर दो इसका इनिविशन कर दो और साथ ही क्या होता है अपन का जो न्यूनिटेक्स एपनिस्टिक सेंटर होते हैं उनका भी क्या हो गया इनिविशन इनिविशन कौन करवा रहा है न्यूमोटेक्सिक सेंटर तो न्यूटेक्सिक सेंटर किसका करवा रहा है डीप रेस्पिरेटरी ग्रुप का ठीक है इसको एक्टिवेट कौन करता था एबनिस्टिक सेंटर एब्निस्टिक सेंटर डीप रेस्पेटी ग्रुप को एक्टिवेट करता था और निमोटिक्स इसको इनिवेट करता है तो यहाँ पे अच्छे से काम कौन करेगा ये वाला इसका मेन फंक्शन है हेयरिंग ब्रि रिफ्लेक्स में ठीक है ये इसको भी इनवेट करेगा नेगेटिव को मतलब इनिवेट और साथ में किसको डीप रेस्पिटेटरी ग्रुप को भी इनिवेट कर रहा है इस वजह से क्या होगा जो इंस्पायरेशन की डेप्थ है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और इस तरह से ओवर स्ट्रेचिंग से अपन बच पाएंगे ठीक है तो सिग्निफिकेंस क्या है प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लंग्स एंड टिश्यूज लंग्स के जो टिशूज़ होते हैं उनको ओवर स्ट्रेचिंग से रोक लेता हैरिंग ब्लू रिफ्लेक्स ठीक है थैंक यू गाइस